वाल्मीकि समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ धूमधाम के साथ। 60 जीवन साथियों ने लिया 7 जीवन जीने का संकल्प। आजाद पार्क में उभरे हजारों लोग। अजमेर वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन धूमधाम से आयोजित किया गया। सम्मेलन में 60 नव दंपतियों ने जीवन भर साथ चलने का संकल्प जताया। सम्मेलन में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। सम्मेलन स्तर पर बने मंडपों पर अलग अलग नव दंपतियों ने फेरे लिए। वाल्मीकि समाज की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। उनकी व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किए गए थे। वाल्मीकि समाज का 11वां विशाल सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न होने जा रहा है। इस सम्मेलन के अंदर करीब 60 बच्चे हैं जो वर्धमान हुए हैं, वो इसमें भाग ले रहे हैं। करीब 20,000 वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। यहाँ पे समाज का सेवा संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम रखा जाता है और ये लगातार पूरे भारतवर्ष में पहला एक शहर है अजमेर जहाँ पे कि ये 11वां संपन्न होने जा रहा है। वाल्मीकि समाज का एक ही लक्ष्य है कि जो दहेज पड़ता है उसको पूरी तरह से समाप्त करना। और हम ये चाहते हैं कि इसमें गरीब लोग ही नहीं बल्कि जो सक्षम है और मध्यम वर्ग के हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं वो भी इसमें अपनी शादियाँ कर रहे हैं। हम इसके लिए हमारे समाज को धन्यवाद देते हैं और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगामी जब भी ये दिसंबर में सम्मेलन होता है तो अधिक से अधिक तादाद में यहाँ पे लोग भाग लें और इससे हम दूसरे समाज को भी ये एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि सभी समाज ऐसे कार्य का ऐसे विवाह कार्यक्रम का आयोजन करते रहे ताकि देश के अंदर जो दहेज पड़ता है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कौन कौन अतिथि आया था आज हमारे यहाँ पे? राजगढ़ धाम का मुख्य उपाध्यक्ष चंपालाल जी महाराज यहाँ पे मौजूद होंगे अभी और उमेश नाथ जी बाल योगी उमेश नाथ जी यहाँ पे भी आने वाले हैं उज्जैन से और चंद्र प्रकाश जी टाइसन जो सफाई आयोग के उपाध्यक्ष है वो भी यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं। मेयर साहब यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। शहर के उद्योगपति और युवा कांग्रेस नेता हेमंत पार्टी भी यहाँ पे मौजूद होंगे। अनिता बदेल जी भी आपका परिचय? शरवण टोनी पार्षद नगर निगम अजमेर।